वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इस श्लोक में एक और खासियत क्या, इस श्लोक में वंदना तो गणेश जी की करनी चाहिए, लेकिन गणेश जी की तो कर रहे, लेकिन पहले सरस्वती जी की पहले कर। वाणी हे वरदायिनी मातु जय जय हे वरदायिनी मातु। वाणी, वाणी का मतलब सरस्वती, सरस्वती की वंदना की गणेश जी की करनी चाहिए। आगे बोले देखो गणेश जी देते हैं बुद्धि, बुद्धि हो पर वाणी ना हो, जैसे कोई गाड़ी तो हो पर ड्राइवर ना, भाई गाड़ी हो ड्राइवर ना, गाड़ी किस काम की। उसी प्रकार बुद्धि तो ले ही लेंगे, बोले पहले वाणी। और दूसरी बात, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं कि गोस्वामी जी स्त्री विरोधी है, अगर वो स्त्री विरोधी होते तो पहले प्रणाम स्त्री रूप में मां सरस्वती को नहीं करते। इसलिए वंदे वाणी विनायकौ, मां सरस्वती को प्रणाम। अच्छा, सात श्लोकों के मंगलाचरण में नौ लोगों की वंदना की। कितने लोगों की महाराज जी? सात श्लोकों में नौ लोगों की वंदना की। पहले सरस्वती जी, फिर गणेश जी, फिर पार्वती जी, फिर शंकर जी, और पांचवा गुरु जी, छठवा वाल्मीकि जी, सातवा हनुमान जी, आठवा माता जानकी जी, और नौवा प्रभु श्री राम जी। अच्छा, लेकिन इन मंगलाचरण में एक और ध्यान देना है, हम आपको एक एक क्रम से बताएंगे। नौ मंगलाचरण में, सात श्लोकों के मंगलाचरण में नौ लोगों की वंदना, पर बीच में रखा गुरु को, मध्य में चार एक तरफ चार एक तरफ, बीच में गुरु। तो हमने मन में विचार किया कि गुरु जी मध्य में क्यों, जो श्रेष्ठ होता है वो मध्य में ही होता है, जो श्रेष्ठ होता है वो मध्य में ही होता है। और गोस्वामी जी के जीवन में गुरु की बहुत महिमा है। देखो गोस्वामी जी है कौन, तुलसीदास जी कौन है? वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति रामचंद्र कथामेतां भाषाबद्धां करिष्यति। वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बनकर के प्रकट भए। कैसे? वाल्मीकि जी ने जब रामायण की रचना कर दी, वाल्मीकि जी है आदि कवि, रामायण की रचना कर दी और रामायण का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी, हनुमान जी ने अपने नाखूनों से शिलाओं पर रामायण को लिखना प्रारंभ कर दिया, नाखूनों से शिलाओं और शिलाओं पर रामायण लिख लिख कर उन शिलाओं को वाल्मीकि जी के आश्रम में रखने लगे। धीरे धीरे पहाड़ लग गया। वाल्मीकि जी ने गौर से देखा, एक दिन हनुमान जी शिला पत्थर पर रामायण लिखकर ला रहे थे। वाल्मीकि जी ने कहा, हनुमान ये क्या है? हनुमान जी बोले, भगवान ये रामायण है, जितने दिन हम साथ में रहे वो हमने लीला लिखी पत्थर पर, ताकि आने वाले समय में प्रभु श्री राम की गाथा को सब पढ़ पाए संस्कृत में। वाल्मीकि जी ने जब हनुमान जी की रामायण को पढ़ा तो मनी मन सोचने लगे, इनकी रामायण के सामने तो अपनी फैल हो भी क्यों ना, हनुमान जी तो साथ रहे, उन्होंने सत्य घटना जो जो रही वो लिखी पूरी विस्तार पूर्वक। गोस्वामी वाल्मीकि जी ने तो लिखा कि भगवान वहां बैठे थे, और हनुमान जी ने तो लिखा कैसे बैठे थे। मन में द्वेष आ गया, वाल्मीकि जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया, बाबा हमको कोई वरदान चाहिए, मांग लो। वाल्मीकि जी बोले, महाराज ये जो आपकी रामायण है ना, इसको आप समुद्र में डुबा दो, ये वरदान में चाहिए। क्यों? आपकी रामायण रहेगी ना तो कोई हमारी रामायण नहीं पूछेगा, इसलिए इसको आप डुबा दो। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, आंखों से आंसू आ गए, वचन दे दिया था कि वरदान देंगे। हनुमान जी ने पूरे पत्रों को उठाकर समुद्र में डुबा दिया। लेकिन सुनो वाल्मीकि जी, आपके अंदर ये छो है ना, देश कलयुग के मनुष्य जैसा उत्पन्न हो गया, जाओ
हमारा एक श्राप भी है, तुम्हें यही रामायण लिखने के लिए कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा, वही वाल्मीकि तुलसीदास बनकर प्रकट भए। और जो जो रह गया था वो रामचरितमानस में लिखा। बोलो रामचरितमानस भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सीताराम नाम भगवान की, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा शांताष्टमी स्वरम। भगवान शंकर की वंदना की, पार्वती जी की वंदना की, गुरुदेव की वंदना की, और गुरुदेव की वंदना करने के बाद माता जानकी की वंदना की, सबसे अंत में प्रभु श्री राम की वंदना की, वाल्मीकि हनुमान जी जानकी जी, फिर सबसे अंत में राम जी। और जब पूरी वंदना हुई तो किसी ने हनुमान जी से, गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, आप ये रामायण लिख क्यों रहे, क्या आवश्यकता, क्या आप यश पाना चाहते। गोस्वामी जी बोले नो। फिर नाना पुराण निगमागम सम्यतम यद, ये रामायण कोई साधारण नहीं है, सभी पुराणों का सार है। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। और आप ये रामायण लिख क्यों रहे, शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातु नोती, मातु नोती। गोस्वामी जी कहते भैया कि हमने दुनिया के लिए रामायण नहीं लिखी। बोले फिर, बोले अपने अंतःकरण के सुख के लिए। देखो एक बात बोले माई बाप, दूसरों को सुख दें बात अलग, अपने को पहले आनंद आना चाहिए, पहले खुद को आनंद आए। अब खुद दर्द में बैठे हो, दूसरे को पेन किलर बांट रहे हैं, खुद का घुटना दर्द कर रहा। कई लोग हमें ऐसे देखें, खुद की लाइट बंद रहती, दूसरे पड़ोसी की सुधारते हैं। अरे ठटरी के बरे, अपनी सुधार, दूसरों को। मैं एक भाई साहब खैनी खा रहे थे, खैनी जानते हो ना, नहीं बोले तो तंबाकू, ऐसे खाने अपने बेटे से कहा गुटका नहीं खाना तो ये कैंसर हो जाता। ठठरी के बड़े, गुटका नहीं खाना चाहिए कैंसर हो जाता, खुद दबा रहा है। उपदेश वही दो जो खुद चल सको, ज्ञान वही दो जिस पर आप चल रहे हो। दूसरों को ज्ञान तभी काम करेगा जब खुद आप चलते हो।